हेलो एवरीवन, व्हाट्सएप के द्वारा भारत के आईटी नियमों का यहां पर विरोध करते हुए कहा गया है कि भारत सरकार उन पर दबाव बनाती है और यहां पर उनको इंक्रिप्शन कोड तोड़ करके यहां पे ग्राहकों के प्राइवेसी डेटास को यहां पर सरकार साथ शेयर करने को मजबूर करती है तो भारत छोड़ देंगे, अपना परिचालन यहाँ पर बंद कर देंगे। पूरा मामला यहां पर क्या है देखा जाए तो हाईकोर्ट में यहां पर इसको लेकर के केस चल रहा है, जिसमें यहां पर सरकार वर्सेस व्हाट्सएप और मेटा की फेसबुक यहां पे कंपनियां भारत के आईटी नियमों को लेकर विरोध दर्ज करा रही है। इस सुनवाई के दौरान यहां पर व्हाट्सएप के द्वारा ऐसा यहां पर कहा गया है। आज हम यहाँ पर इसी मामले को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, भारत के आईटी नियम में भारत सरकार किस तरीके के यहाँ पे डेटा की डिमांड कर रही है, व्हाट्सएप की जो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको डिकोडिंग प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, किस तरीके के आपके यहाँ पर मैसेज वीडियोस जो होते हैं वो कोई अन्य नहीं दे सकता है और प्राइवेसी यहाँ पर इतना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले यहाँ पर मुद्दा जो है, चर्चा का विषय क्यों है, वो यहाँ पर अगर हम नज़र डालते हैं, देखिए यहाँ पर एक केस चल रहा है और ये केस जो है आपको हाईकोर्ट में, यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसमें व्हाट्सएप जो है भारत में जो अपनी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं उन्होंने कहा है कि वो भारत में अपनी सर्विस देना बंद कर देंगे। और क्यों बंद कर देंगे, तो यहाँ पर उनका इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उन्हें कहा गया कि जो मैसेजेस हैं उन्हें इंस्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो भारत से चले जाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जो मैसेज यहाँ पर करते हैं, वो यहाँ पर आपको सेवाएं बंद हो जाएंगी। मेटा के यहाँ पे दो बड़े प्लेटफॉर्म, जिसमें से एक आपका व्हाट्सएप है और दूसरा यहाँ पर देखा जाए फेसबुक है, उन्होंने यहाँ पे जो नए संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट में यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इस मामले की थोड़ा सा प्रक्रिया क्या है कि कंपनी ने कोर्ट में ऐसा कहा क्यों है, प्रक्रियाएं थोड़ी सी इसमें समझने वाली बात यह भी है कि यहां पर किस तरीके के डेटा डिमांड की बात यहां पर सरकार के द्वारा की जा रही है और किन मुद्दों पर यहां पर ऐसा डिमांड की गई है। तो देखा जाए तो कंपनी ने कहा कि कोर्ट में कि नए नियमों में यूजर की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है, यानी कि हम जो मैसेज करते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इससे सरकार के पास ये आपको एक्सेस मिल जाएगा, सरकार किसी का भी मैसेज इत्यादि डिकोड करने को बोल सकती है और उससे यहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच यहाँ पर वर्तमान समय में कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बीच का रास्ता निकाला जाए, अर्थात सरकार और व्हाट्सएप या फेसबुक जो है मिलकर के यहाँ पर देखें क्या किया जा सकता है, किस तरीके के नियमों की अवहेलना किए बिना सरकार के साथ सहयोग करते हुए व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियां यहाँ पर डेटा को यहाँ पर शेयर कर सकती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लोगों के जो डेटा है वहाँ पर उनके साथ किसी तरह की प्राइवेसी इत्यादि की समस्या भी ना हो। तो यहाँ पर व्हाट्सएप के एडवोकेट तेजस करिया और सरकार की ओर से कीर्तिमान सिंह दलील रख रहे हैं। संक्षिप्त बहस के बाद हाईकोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने को कहा है। तो ये तो पूरा मामला है जो चर्चा का विषय बना है, लेकिन हम आते हैं यहाँ पर जो वर्तमान समय जो प्रक्रिया है, जो जिस माध्यम से व्हाट्सएप जो होती है हमारे मैसेज को यहाँ पर सेव करती है, या कह सकते हैं कि प्राइवेसी जो रहती है वो यहाँ पर बरकरार कैसे रहती है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो क्या होता है उसको समझिएगा। देखिए इस तरह के एक मैसेजेस आपको देखने को मिलते होंगे, आपने व्हाट्सएप यहाँ पर जाते होंगे जब इन टू इंड इंस्क्रिप्शन को अप्लाई करते हैं तो इस तरीके का एक मैसेज आपको अपने कह सकते हैं कि व्हाट्सएप अकाउंट पे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है, देखिए एक तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, जिसमें यहाँ पर जो मैसेज भेजने वाला होता है यानी कि जो सेंडर होता है और जो मैसेज को रिसीव करने वाला है यानी कि रिसीवर होता है, इन दोनों के अलावा इसमें कोई अन्य शामिल नहीं होता है, यानी कि थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके मैसेजेस को कह सकते हैं इंक्रिप्ट नहीं कर सकती है, पढ़ नहीं कर सकती है, यहाँ तक कि कंपनी भी एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन में यूजर के मैसेजेस को नहीं देख सकती। एक तरीके के प्राइवेसी जो मैटर करती है, राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है उसको यहाँ पर एक सुरक्षित का करती है यहाँ पर देखा जाए इस तरीके के टेक्नोलॉजी। और व्हाट्सएप जो है इन टू एंड इंक्रिप्शन करता कैसे है, जो टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो समझिएगा। देखिए यहां पर एक सर्वर की ओर से पब्लिक की होती है कि यानी कि चाबी, ठीक है, कुंजी होती है, ठीक है, जैसे कि यहां पर आप इसे देख सकते हैं। ये आपको हो गया, मान लीजिए कि एक यूजर हो गया, जैसे कि एक यूजर ए हो गया जो सेंड भेजने वाला हो गया, और यहाँ पर आप देखें इन टू एंड इंक्रिप्शन जो अगर वो अप्लाई करता है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप एक सर्वर होता है जहाँ पर आपके मैसेज इत्यादि होते हैं, दूसरा यहाँ पर एक यूज़र बी होता है जहाँ पे आपको मैसेज जाता है, जो मैसेज को यहाँ पे डिक्रिप्ट करता है यानी कि जो मैसेज रिसीव करेगा, तो उसके पास एक दूसरी यहाँ पर की होगी, यानी कि दो की होती हैं, एक रिसीवर की तरफ से, एक यहाँ पर आपको मैसेज सेंडर रिसीवर के मध्य दो की होती हैं, एक तरफ से भेजा जाएगा
यहाँ पर आपको पब्लिक की मैसेज को यहाँ पर फिर इनक्रिप्ट करेगा, जो मैसेज होगा वो व्हाट्सएप सर्वर पे चला जाएगा और यहाँ पर इसके माध्यम से यूज़र भी होगा उसे एक्सेस करेगा, उसकी के माध्यम से डिक्रिप्ट किया जाएगा और मैसेज आसानी से यहाँ पर पढ़े जा सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो कि यहाँ पर व्हाट्सएप जो है अप्लाई करती है, यूज़ करती है अपनी यहाँ पर कह सकते हैं कि यूज़र को एक प्राइवेसी देने के संदर्भ में। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो नए नियम आए हैं और सरकार यहाँ पर इन नए नियमों को लेकर कहती क्या है और व्हाट्सएप यहाँ पर इन नियमों को लेकर के यहाँ पर इतना विरोध क्यों दर्ज कर रहा है। तो देखिए, नए नियमों में कहा गया है कि जो मैसेज हैं, मैसेज का प्राइमरी जो सोर्स होगा वो बताना होगा, यानी कि मैसेज कहाँ से भेजा गया है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने 2021 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए संशोधित नियमों को यहाँ पर चुनौती दी है। इन नियमों के तहत व्हाट्सएप को चैट का पता लगाने के साथ साथ यह भी पता करना होगा कि मैसेज पहली बार कहां से किसके पास भेजा गया है, यानी कि स्टार्टिंग कहां से हुई इस तरह की किसी बात, जैसे कि होता है कई सारी संवेदनशील जानकारियां होती हैं या फिर दंगे भड़काने के संदर्भ में भी चीज़ें होती हैं, इस तरह की कोई आपत्तिजनक बातें भी होती हैं जो शेयर की जाती हैं लगातार आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर ऐसे लोग पकड़ने के संदर्भ में कई बार सरकार यहाँ पर सहयोग की एक डिमांड करती है और तभी हो सकता है कहाँ की पहली बार इसे कहाँ से अपलोड किया गया या कहाँ से शेयर किया गया। सरकार का क्या कहना है? देखिए, सरकार कहती है कि कंपनी नहीं करती है गोपनीयता की यहाँ पे रक्षा, यानी कि आपको प्राइवेसी से उनका कोई लेना देना यहाँ पे कंपनियों का नहीं है, जो ये ढिंढोरा पीटती रहती हैं कि प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, ऐसा यहाँ पर होता कुछ नहीं है। इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप फेसबुक बिजनेस का कॉमर्शियल पर्पज से यहाँ पे यूजर्स के डेटा को बेचती हैं और ऐसे कई मामले यहाँ पर देखने को मिले हैं कि फेसबुक के द्वारा जो है यूजर्स के डेटा को यहाँ पर सेल कर दिया गया है, चाहे वो आपको फेसबुक के हों व्हाट्सएप के हों, कई सारे नंबर्स इत्यादि को अकाउंट डिटेलिंग जो होती है वो आपको ऑनलाइन यहाँ पर सेल किए गए हैं। तो ये जो यहाँ पर ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि देखिए ये हमारा प्राइवेसी का एक मैटर है, वो कहीं से ऐसा नहीं है, कई सारे मामले जहाँ पर ये कंपनियाँ ऐसा कर रही हैं, इसलिए कानूनी तौर पर यह दावा नहीं कर सकती कि वो गोपनीयता की यहाँ पर रक्षा करती हैं। अब दूसरा मुद्दा यहाँ पे देखिए आता है कि आपको सरकार के द्वारा इस संदर्भ में कहा क्या गया है, यानी कि मामले में सरकार की चार बड़ी बातें क्या हैं, वो भी यहाँ पे दोनों पक्षों को समझना इस मुद्दे पे जरूरी है कि सरकार यहाँ पर क्या कह रही है। तो एक एक करके यहाँ पे इनकी चारों बातों को देखते हैं। पहले यहाँ पे जो सरकार एक तरीके से जो एडवोकेट कीर्तिमान सिंह ने है, उन्होंने कहा कि इस गाइडलाइन के पीछे का विचार मैसेज के सोर्स का पता लगाना था। वैसे भी समय के अनुसार मैसेज को ट्रेस करने का कोई मैकेनिकल होना यहाँ पर मैकेनिज्म होना ही यहाँ पर चाहिए, ताकि किसी भी तरह की समस्या यहाँ पर होने पर आप उसे ट्रैक कर सकें। दूसरा, सरकार ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप भारत के यूजर्स को किसी भी विवाद समाधान का अधिकार देश के अंदर नहीं देती है या उनके मौलिक अधिकारों का हनन है और इस तरह के मुद्दे को भी सुलझाने के लिए हमें यहाँ पर एक्सेस चाहिए। तीसरा, अगर आईटी नियम 2021 लागू नहीं किया गया तो एजेंसियों को फर्जी मैसेज के सोर्स का पता लगाने में दिक्कत होगी, ऐसे मैसेज अन्य प्लेटफॉर्म में फैल जाएंगे जिससे समाज में जो होती है शांति और सद्भाव बिगड़ सकता है और इसलिए भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक्सेस चाहिए। और चौथी बात जो यहाँ पर सरकार अपनी रखती है कि इंटरनेट ओपन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको सेफ और ट्रस्टेड यहाँ पर होना चाहिए, प्लेटफॉर्म यूजर्स के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, किसी को भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीनने की यहाँ पे अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पे सरकार ने अपना पक्ष यहाँ पे रखा है कि इस तरह की जो MNCs कंपनियाँ हैं यहाँ पर वैश्विक ग्लोबल कंपनियाँ हैं, वो यहाँ पर आपको डेटा प्राइवेसी इत्यादि के नाम पर इंक्रिप्शन के नाम पर यहाँ पे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, डेटा को यहाँ पर सेल करती हैं, प्राइवेसी यहाँ निजता के यहाँ पर उल्लंघन करती हैं और साथ साथ यहाँ पर अन्य तरीके की समस्याएं भी क्रिएट करती हैं और सरकार जब सहयोग मांगती है तो वहाँ पर यह सहयोग भी नहीं करती हैं। अब आइए यहाँ पर इस पूरे मामले पर व्हाट्सएप कहता है कि देखिए, गोपनीयता के उल्लंघन के मामलों पर हम न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर लगातार कई सारे देशों के साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं, भारत साथ मिलकर हम इस पर बीच का रास्ता निकालेंगे। तो ये तो मुद्दा यहाँ पर है, बाकी आइए यहाँ पे देखिए समझते हैं कि व्हाट्सएप से रिलेटेड फैक्ट, ये कब बनी, कैसे बनी, इसको लेकर के क्या डेटा है, कैसे कंपनी है, कहाँ कहाँ और कैसे कैसे ये संचालित होती है। तो देखिए, सन 2009 में जो व्हाट्सएप यहाँ पर आपको चर्चा का विषय बना, सन 2009 में देखें तो आपको व्हाट्सएप को अमेरिका के ब्रायन एक्टन और जेन कूम ने 24 फरवरी 2009 को यहाँ पर बनाया। 224 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर देखा है दुनिया भर में व्हाट्सएप के मंथली आपके यूज़र हैं यहाँ पर। 2010 में व्हाट्सएप भारत में आया और देश में करीब 50 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर यूज़र जो हैं व्हाट्सएप में यहाँ पर एक दिन में आपको इसका यूज़ करते हैं। 100 करोड़ से अधिक यहाँ पर देखा है तो मैसेज जो है इसमें आपको लगातार भेजे जा रहे हैं। व्हाट्सएप के 70% से ज़्यादा जो यूज़र्स हैं रोज़ाना ऐप को यहाँ पर चेक करते हैं।
500 करोड़ से अधिक बार यहाँ पे प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा चुका है, 200 करोड़ से अधिक बार एप्पल स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा चुका है, प्ले स्टोर से देखा है चौथा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप है। साथ ही फ्री प्लेटफॉर्म होने के कारण दुनिया के 180 देशों में देखा है तो व्हाट्सएप के आपके यूजर्स हैं। चीन, ईरान, सीरिया, यूएई, उत्तर कोरिया, क्यूबा में देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे देशों में यहाँ पर आपको इसे बैन किया गया है। व्हाट्सएप के लिए सिर्फ 55 इंजीनियर काम कर रहे हैं और 2014 में $1.8 बिलियन अभी तक करीब 1.82 लाख करोड़ रुपए व्हाट्सएप में को खरीद लिया गया है। तो व्हाट्सएप को यहाँ पर खरीद लिया गया, तो ये टोटल यहाँ पर जानकारी जो व्हाट्सएप से रिलेटेड है। लेकिन जो मुद्दा यहाँ पर है कि क्या व्हाट्सएप जैसी कंपनियाँ निजता के आधार पर हमारे मौलिक अधिकारों का यहाँ पर हनन कर रही हैं, या सरकार यहाँ पर अपने प्राइवेसी डेटा इत्यादि को यहाँ पर देश सुरक्षा सद्भावना के आधार पर यहाँ पर गोपनीयता जैसे मुद्दों का या किसी भी मैसेज को एक्सेस करने का अधिकार मांगे, मुद्दा संवेदनशील है और इसलिए कहीं ना कहीं इस पर यहाँ पर बेहतर तरीके से विचार की भी जरूरत है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।